नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। इस समय हम मौजूद है बांके बिहारी मंदिर। वहीं हम जानते हैं जन्मोत्सव को लेकर क्या खास तैयारियां मंदिर के अंदर की गई है। जी आपका नाम? जय श्री बिहारी जी की राधे राधे। राधे राधे। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से निकुंज गोस्वामी राजभोग सेवा अधिकारी श्री बांके बिहारी जी महाराज के अंग सेवी। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी अंदर श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर क्या खास तैयारी की गई है। कृष्ण जन्मोत्सव ब्रजमंडल का प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है। जन्माष्टमी के महापर्व पर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी महाराज जो हमारे आराध्य हैं, उनका साल में एक बार महाभिषेक होता है। महाभिषेक यानी दूध दही घी शहद बूरा इत्र केसर गुलाब जल के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक होता है। और जो कल के दिन 7 तारीख को बिहारी जी को पोशाक पहनाई जाएगी अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद, वह पोशाक भी 6 महीने से बन रही है। जड़ाऊ पोशाक प्रभु धारण करते हैं और जन्माष्टमी वाले दिन ही जिन बांके बिहारी लाल का रेगुलर दर्शन करते हैं वही ठाकुर जी बाल रूप में छोटे रूप में नजर आते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर ठाकुर जी को विशेष भोग लगाए जाते हैं। पंचामृत से पहले अभिषेक किया जाता है, तदुपरांत नवीन वस्त्र धारण कराने के पश्चात ठाकुर जी को मेवा पाग मेघी पाग गोला पाग इत्यादि 56 भोग के साथ में ठाकुर को भोग अर्पित किए जाते हैं। देश विदेश से अनेक श्रद्धालु इस उत्सव में हाजिरी लगाने के लिए सम्मिलित होने के लिए हमारे ब्रजमंडल में पधारते हैं। कल के दिन विशेष रूप से बांके बिहारी लाल की वर्ष में एक बार मंगला आरती होती है। उस आरती के लिए कहा गया है हमारे ब्रज में कि जिसने कर ली मंगला वो कभी ना होता कंगला। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह आपने देखा कि जन्माष्टमी को लेकर इन्होंने बताया कि किस तरह से अंदर तैयारी की गई है, इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया।